हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुरेश कुमार। आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट एंड आई एम आल्सो डूइंग द एंडोस्कोपीज एट मल्टीपल सेंटर्स। आई एम डूइंग माय कंसल्टेंसी एट रफाया मेडिकल सेंटर, फारूक आजम एंड हनीफ हॉस्पिटल एंड आल्सो डूइंग एंडोस्कोपी एट सिविल हॉस्पिटल। आपने देखा होगा कि हमारी जो OPDs होती हैं या हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके पास जो OPD में पेशेंट आते हैं, पहले फेज़ पे तो ज़्यादातर बुखार के, नज़ले ज़ुकाम के आते हैं, लेकिन दूसरे फेज़ पे जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो होते हैं मैदे के दर्द वाले। तो आज जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़। क्या हर मरीज़ जिसको मैदे में दर्द हो, क्या उनको अल्सर होता है? जो हर पेशेंट परेशान होता है कि हमारे पास आता है और कहता है कि हमें मैदे में दर्द है और शायद अल्सर है, इसीलिए काफ़ी लोग जो होते हैं कि कुछ टेस्ट करवा के आके हमें डायरेक्टली कहते हैं कि सर मुझे अल्सर हुआ था और आप उनका इलाज कर दें। तो ऐसा नहीं है। जो पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ है बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसमें आपके खाने वाली नलकी, मैदा या छोटी आंत में कहीं पे भी ज़ख़म बन जाए और उसकी खाल उधेड़ जाए, तो उसके नीचे जो नज़र आने वाला ज़ख़म होता है उसको हम अल्सर कहते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ जो है बहुत सारी वजहों से होता है, ख़ास करके जो पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली होता है वो दो चीज़ों से होता है कि लोग जो दर्द की दवाएं इस्तेमाल करते हैं या उस एक जरासीम होता है बैक्टीरिया जिसको एच पायलोरी कहा जाता है, उसकी वजह से लोगों को पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ होता है। और दूसरी जो है बहुत सारी और वजहें भी होती हैं जिसमें जो है स्ट्रेस का होना, किसी को लिवर और किडनी का प्रॉब्लम हो उसकी वजह से होना, या मैदे का कोई एक कैंसर होता है जिसको जोलेंजर एलेसन सिंड्रोम कहते हैं, उसकी वजह से अल्सर्स होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस होती है लोगों की, वो जो दर्दों की दवाएं खाते हैं जैसे कि पोनिस्टान, ब्रूफिन, वोरिन, वोल्ट्राल, केफलाम, बेफलाम, इस तरह की दवाएँ लेते हैं, तो उसमें इस तरह के अल्सर्स होने के चांसेज हैं। दूसरा जो होता है कि एच पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जो खास करके जनरल प्रैक्टिशनर, हमारे डॉक्टर्स दूसरे जो होते हैं वो सारे ये टेस्ट कर रहे होते हैं और हमारे पास आके ये कहते हैं कि हमें अल्सर होता है, बेसिकली वो अल्सर नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड जो आधी आबादी है, 50 मिलियन के करीब आबादी जो है वो एच पायलोरी से जो है सफ़र कर रही है। क्या सब में एच पायलोरी अल्सर करता है? उनका जो जवाब है वो नहीं, क्योंकि वो सिंपली सिर्फ 10-15% लोगों में अल्सर कर सकता है, बाकी लोगों में वो अल्सर डेवलप नहीं करता है। तो इसीलिए कि हर किसी को एच पायलोरी हो, उनको अल्सर हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इसीलिए आप हमेशा जहन में रखें कि एच पायलोरी एक बैक्टीरिया है जो आपके मैदे में रह के ये कुछ ना भी कर सकता है, या आप सिम्टम्स फ्री भी रह सकते हैं, वो अल्सर करे ये ज़रूरी नहीं होता है। फिर हमारे पास सवाल जो अक्सर मरीज़ों का आता है, क्या हम जो चीज़ें खाते हैं उनसे अल्सर होता है? तो अभी तक कोई भी डेटा जो है कोई नहीं बता रहा कि आपके जो स्पाइसी फूड्स हैं, मिर्चें हैं, आप जो बाहर की तली हुई चीज़ें खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं उनसे अल्सर होता है, ये नहीं है, ना ही उसकी वजह से कोई सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं। फिर आके मरीज़ अक्सर सवाल करते हैं कि हमें जो दूध वगैरह हम लेते हैं, क्या हम लें जिससे हमारा पेन फ्री हो जाएगा? तो दूध वगैरह से भी आपका दर्द वक्ती तौर पर तो आराम आ सकता है, क्योंकि अल्सर के ऊपर दूध जो है एक तह से बना देता है, लेकिन उसके बाद भी जो है आपके फिर सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं। जिसको अल्सर्स होते हैं उनमें क्या क्या अलामतें होती हैं? वो अलामतें ये हैं कि किसी को मैदे में जलन की तरह दर्द होना, मैदे में दर्द होना, भारीपन होना, उल्टी की तरह लगना, या कभी कभी सीने में जलन होना, इसकी अलामतें आ सकती हैं। तो लेकिन जब भी इस तरह की अलामतें हों तो अल्सर होने के खदशात ज़रूर होते हैं, तो इसीलिए आप ज़रूर अपने मालिज को दिखाएँ और उनसे कंसर्न करें। क्या अल्सर आपके खून की रिपोर्टों से डायग्नोस हो सकता है? ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्सर को डायग्नोस करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो तो एंडोस्कोपी है, क्योंकि आप डायरेक्टली देख लेते हैं कि खाने वाली नलकी में, मैदे में या आपके छोटी आंत में जो है अल्सर्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो है कुछ बेरियम एक्सरेज के टेस्ट होते हैं जिसमें बेरियम स्वालो या बेरियम फॉलो थ्रू के थ्रू आप जो है डायग्नोस कर सकते हैं गैस्ट्रिक या ड्यूडिनल अल्सर्स को। जब अल्सर हो जाता है तो उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। किसी किसी को इस पेन के अलावा खून का आना, खून की उल्टी आना, काले रंग के पाखाने आना, या जो है उल्टियों की वजह से मैदे का मुंह बंद हो जाना सूजन की वजह से, जो अल्सर्स की सूजन होती है उसकी वजह से ये मुमकिन होता है। जब ऐसा कुछ होता है तो उस दौरान एंडोस्कोपी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपका मुआलिज या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट
अंदर जाके वो आपके अल्सर्स की ब्लीडिंग को रोकता है, इंजेक्शन के थ्रू रोकता है या क्लिपिंग के थ्रू रोकता है, लेकिन रोक सकता है। तो अब आते हैं हम आगे जाके, क्या इसकी कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं? जी बिल्कुल, एक दो कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि अगर अल्सर आपको हो तो आंत या मैदा फटने के भी चांसेस होते हैं, तो इस सूरत में आपको सर्जन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आप जो है हमेशा अवॉइड करें, आप दर्दों की दवाएं खाने से उनसे अवॉइड किया करें, और जो इनका ट्रीटमेंट है वो अपने मुआले से मिलके ले लें, जो इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट में ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको जो अल्सर है वो स्ट्रेस की वजह से है, तो स्ट्रेस के साथ साथ आपको जो है कुछ तेज़ाब कम करने की चीज़ें भी दी जाती हैं, जैसे कि PPIs हो गए, जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, जो आपकी तेजाबियत को कम करते हैं, या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं जैसे कि फेमोप्सिन या रेनिटिडीन वगैरह, इस तरह की दवा फेमोटिडीन रेनिटिडीन की दवाएं जो है आप लेते हैं। अगर आपको H. pylori है तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जिसमें क्लेरथ्रोमाइसिन है, एमोक्सिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन टाइप की दवाएँ दी जाती हैं। तो बेसिकली जो हमारा मैसेज आज कन्वे करने का मकसद है कि वो ये है कि दकियानूसी जो चीज़ें होती हैं उस पर आप ध्यान ना दें। जैसे आपको पहले मैंने बताया कि आप जो मिर्चें अवॉइड कर देते हैं या आप तली हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, तो ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इन चीज़ों से आप लोगों के कोई सिम्टम्स वर्स होते हैं या अल्सर्स बनते हैं। जब भी आपको H. pylori हो, क्योंकि H. pylori प्री कैंसरियस कंडीशन भी करती है 2-3% लोगों में, अगर वो 30-35 साल रह जाए तो उसको इरेडिकेट ही करके आप अपना जो है वो जान छुड़वाया करें, अपने मुआले से मिलें। और इसी आगाही के साथ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप मार्टिन डो का, मर्क का, जिसने हमें एक ये अच्छा अपॉर्चुनिस्टिक जो है प्रोवाइड किया है, मौका दिया है हमें कि हम लोगों को आगाही दे सकें। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।